नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किशन! 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 तुम्हारी एक चीख इस घर के आंगन में उस बुड्ढे की लाश गिरा सकती है, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मान गए जाने मन, क्या खूब नाटक रचाया तुमने। अपने बाप को बेइज्जत करके किशन का प्यार और विश्वास तो जीत लिया, लेकिन डार्लिंग जरा अपने इस आशिक के बारे में भी तो सोचो जिसे इस खूबसूरत जिस्म की आदत पड़ चुकी है। अपनी चंद रातों को हमारे नाम कर दो। चाहूं तो तेरे हर घूसे का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अबे लेकिन क्या? सच्चाई सुनना चाहता है वो देख। तुम्हारे चरणों की दासी बनने से पहले हमारे दिल की मलिका थी। अबे झूठ बोलता है। पूछ इससे, क्या विलायत में इसने हमारे साथ रंगरलियां नहीं मनाई थी? क्या इसने मेरी शादी के साथ फेरे पर तेरी चिता जलाने की कसम नहीं खाई थी? क्या इसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं? Get out! मैं जा रहा हूं। इस चौखट के बाहर मैं सिर्फ तुम्हारा 2 मिनट इंतजार करूंगा। याद रहे, तुम्हारे इस फैसले से किसी की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। सनम, मैं जानता हूं तुम मेरे प्यार और विश्वास का खून नहीं कर सकती। सनम, एक अजनबी के लगाए हुए इल्जाम से मैं तेरी पवित्रता पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं कि सच क्या है। बेटी, बेटी तेरी खामोशी तुझे गुनहगार ठहरा सकती है। तो क्या मैं समझ लूं कि तूने वाकई हमारे साथ विश्वासघात किया है? तो मैं ये मान लूं कि तेरे उसके साथ नाजायज ताल्लुकात है? क्या ये सच है कि तू उसके होने वाले बच्चे की माँ है? बोल, जवाब दे। मुझे माफ कर दो माजी। यही तेरा असली रूप था तो क्या जरूरत थी अपने बाप के सामने पवित्रता का ढोंग रचाने की? क्यों आई थी मेरे बेटे की जिंदगी में इस पाप का जहर घोलने? तूने तो फरेब की तलवार से एक माँ के विश्वास का और पति के सम्मान का खून किया है। तुझे इस घर की छत के नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे माफ कर दो माजी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। आज आपका ये रूप देख लिया, अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। जल निकल जा मेरी नजरों के सामने से। बेटे, दांत देता हूं तुम्हारे दिमाग की। जो कुछ भी मैंने खोया था वो तुमने मुझे वापस ला कर दे दिया। मेरी बेटी और तुम जैसा दामाद, जानते हो इस महीने की 25 तारीख को मैंने तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाया है। बियर साहब, मेरे 2 करोड़ का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चमड़े की जबान की वजह से मुझे अपने चमड़े का कारोबार नीलाम करना पड़े। कोई नीलाम विलाम करने की जरूरत नहीं। आपसे जो 2 करोड़ रुपए मेरे दामाद ने बिजनेस के लिए लिए थे वो आपको शादी के दिन मिल जाएंगे। अयो, क्या चलता है जी? चौकरी देता है पैसा लेता है, पैसा देता है चौकरी लेता है। ऐसा धंधा करने वालों को हमारे साउथ में बोलता है मंडवा। मंडवा नहीं समझा, हिंदी में उसको बोलता है बड़वा। ए स्वामी शराब, हम तो बोलेंगे जी, आज हम चुप रहेंगे कि नहीं? आज हमारा लास्ट डे है। चुप बे चपड़गंजू। किसको चपड़गंजू बोलता है? मेरे को चपड़गंजू बोलता है? अरे मैं तो आधा गंजा है, तू तो पूरा नंगा है। सर कुछ नहीं, मेरे को सब रावण लगता है। ए, आप छोड़ के ये बढ़ गया।
ये क्या विधवाओं जैसा लिबास पहन रखा है? जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। तुम नहीं जानती, खून के वो कतरे जो मेरी रगों में तेजाब बन के जल रहे थे वो आग अब बुझ चुकी है। लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी जल रही है। तुम्हारा भला बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ डैडी कि अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, आप किशन के पिताजी को जाने दीजिए प्लीज। वो बुढ़ा तो मेरी ढाल है ढाल, जब तक तुम्हारी शादी के साथ फेरे नहीं हो जाते मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी बेटी की शादी की नहीं उसकी चिता की तैयारी कर रहे हैं। यू जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। तुम नहीं जानते ये प्रदीप कितना होनहार, कितना कलमंद, कितना दौलतमंद है। अय्या दौलतमंद नहीं है जी, बाप फकीर चंद तो बेटा उदार चंद। इसके आंख में लाली, मुंह में गाली और कान में बाली, ऐसा फैमिली को हमारे साउथ में क्या बोलता है? बक्का फैमिली। बक्का फैमिली नहीं समझा, हिंदी में बोलता है छक्का फैमिली। ए बालचंद बहुत हो गया। लास्ट डे जी, हम बोलेंगा चुप नहीं रहेंगा। गेट आउट। मैं जिंदगी भर आपकी जिद और फैसलों के सामने सर झुकाती रही, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। कहना क्या चाहती हो तुम? अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुनो सुनो, आज तू मेरे पंजे में है, कल तू मेरी बाहों में होगी। लेकिन मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम किशन का हो चुका है। तुम जिस सनम से शादी करने जा रहे हो अब तो वो एक चलती फिरती जिंदा लाश है। ठीक है तो मैं किशन की ही लाश गिरा दूंगा, मैं उस हरामजादे को खत्म कर दूंगा, उसकी पीठ पे वार करूंगा। तू पिच्चू से वार करेगा? पिच्चू से वार करने वाले लोगों को हमारे साउथ में क्या बोलता है? जांडू। जांडू नहीं समझा, हिंदी में बोलता है डू। शट अप। लास्ट डे अपन का, अपन बोलेगा चुप नहीं रहेगा। भड़क गया। चाहता है वो देख, तुम्हारे चरणों की दासी बनने से पहले हमारे दिल की मलिका थी। अबे झूठ बोलता है। पूछ इससे, क्या विलायत में इसने हमारे साथ रंग रलिया नहीं मनाई थी? क्या इसने मेरी शादी के साथ फेरे पर तेरी चिता जलाने की कसम नहीं खाई थी? क्या इसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं? क्या हुआ वैद्य जी? मुझे अफसोस है बहन जी, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा मत कर।
बताइए, ये मेरे बुढ़ापे का एक ही तो सहारा है। कुछ तो कीजिए भाई जी, कुछ तो कीजिए। मेरी दवाइयों का कुछ असर होने वाला है, अब तो भगवान का ही भरोसा है। ऐसा मत कहिए भाई जी, ऐसा मत कहिए। तुम क्या देखने आई हो तुम, कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया? ये क्या कह रही हो सावित्री, किशन की सासी ही तो मेरी बेटी की जिंदगी है। तुम्हारी सनम इस घर का सबसे बड़ा गम है, उसे हम माँ बेटे की हंसती खेलती जिंदगी में एक आग लगा दी है, ऐसी आग जो मेरे बेटे के मर जाने के बाद ही शायद खत्म होगी। देखो क्या हाल बना रखा है मेरे बेटे का, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी सनम है, सिर्फ सनम। नहीं, मैं तुम्हें आज सच बताने आई हूँ, तुम्हारा पति जिंदा है। तुम्हारे ही सुहाग की खातिर सनम ने अपना सुहाग त्याग दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? घर की लक्ष्मी को पुलटा का नाम देकर घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया। ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा, आप जिंदा है, आप जिंदा है, आप जिंदा है। किशन, किशन, किशन उठ, किशन आंखें खोल बेटे, किशन उठ। देख, देख, अगर आज तू आंखें नहीं खोलेगा तो कई जिंदगियां मौत के गोद में सो जाएगी। उठ किशन उठ, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? उठ, आंखें खोल बेटे। देख, देख, तेरे दिल के हर धड़कन पर, तेरे खून के हर कतरे पर इस माँ की ममता का कर्ज है, और ये कर्ज आज तुझे चुकाना होगा। किशन उठ, किशन आंखें खोल, किशन। पिताजी जिंदा है? हाँ बेटे, मैं तुझे सब बताती हूँ। नहीं किशन, मेरी बेटी को बचा लो। हाँ किशन, वो सोने कलंका में नरक का आग जल रहा है, हर तरफ रावण ही रावण है। बचा लो अपने सनम को, बचा लो। तू हटा ले मेरे सर से अपनी ममता का आचरण, आज खेलने दे मुझे ये आग और खून की होली। मैं तेरे सुहाग को वापस लाऊंगा मां, मैं तेरी बहू को वापस लाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दे। पियर साहब, कन्यादान से पहले हमारा कल्याण नहीं करेंगे। मैं अपनी जबान का बहुत पक्का आदमी हूं, मैन ऑफ माई वर्ड्स। आइए मेरे साथ। ये रहे आपके 2 करोड़ रुपए, गिन लीजिए। इसे गिनकर मैं आपकी ईमानदारी का अपमान नहीं करूंगा। थैंक यू। हेलो बिंदु बेटी। हेलो, ही इज माय डैड, पुलिस कमिश्नर। मुबारक हो मेयर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो एक महीने की छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने लगा था। हमारी बेटी ने जिद की कि उसकी सहेली की शादी अटेंड करनी पड़ेगी, सो बस बधाई देने चला आया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। धमाजी कहाँ है? जी हाँ, वो रहे। मेयर साहब, ये आदमी तो एक नंबर का फ्रॉड है। ये क्या कह रहे हैं आप?
सजाए आफ्ताब मुजरिम। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। ये तो नहीं मेयर साहब, ये ऊंचे घराने की लड़कियों को फंसा कर उन्हें गुमराह करके कोठों पर बिठाते। वॉट चमड़ा दादा, तुम यहां? आपका खादिम, आपका गुलाम। मेयर साहब, ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। शहर के हर चौराहे पर इनके रंडिखाने हैं और ये शहर के मशहूर भड़वे दर्जनों बार जेल जा चुके हैं। कमीने और खबीज इंसान है ये। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक गलती आप कर गए कमिश्नर साहब। हमारी कलाई खोलकर अपनी सांसें बंद करवाने का इंतजाम कर लिया। बंद करो ये शादी। अब जाओ। तू यहां कैसे? 12 साल जेल की चक्की पीसते पीसते के हाथ इतने सख्त हो चुके हैं कि तुम जैसे भड़ुओं के प्यादों की गर्दन तो आराम से तोड़ सकते हैं। छोड़ दो मेरी बहू को, मैं नए के की लाश बिछा दूंगा। भाई मान गए तेरी दोस्ती को। इस मेयर ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी और तू इसी की खातिर अपनी जान पे खेलने चला आया, या फिर दोस्ती का कोई नया इतिहास लिखना है तो दुश्मनों के हाथों मरने से कहीं बेहतर है एक दोस्त की खातिर शहीद हो जाना। मेरे शरीर में जब तक सांसें हैं तो मेरी बहू को कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक कहता है ये, ठीक कहता है। मैं जिंदगी भर तुझ पर जुल्म करता रहा और तू मुझे माफ करते। तुम दोनों मिलकर गिले शिकवे दूर करते रहो, हम इस खदाने को लिए जाते हैं। बेटा नहीं आना इनकी बातों में, नहीं जाना इनके साथ। मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। नहीं, हर रात एक नए मर्द का बिस्तर सजाऊंगी, एक बाजारी वेश्या बनकर। यही आपके किए की सजा होगी डैडी। मुझे किशन से अलग करने का हर्जाना। मुबारक हो चमड़ा दादा, आज ये बाजी हमने जीत ली। आज दोनों खजाने हमारे पास हैं, एक दौलत का, दूसरा चमड़े का। गाड़ी आउट।
चमड़ा दादा तेरा चमड़ा छलनी छलनी कर देगा।